हेलो दोस्तों दोस्तों आज सीपी शेड्यूलिंग के अंदर जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसके अंदर एमडी यूनिवर्सिटी का दिसंबर 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है। सबसे बड़ी बात 20 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। किसी को अगर मजाक लग रहा हो जब मैं क्वेश्चन टॉपिक समझा रहा था कि FCFS है, ये है, वो है, 10 नंबर 20 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, शायद लगा होगा यार इतने में कैसे आ सकते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है, स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, क्वेश्चन देख लो ये, या जिसके पास 2014 का पेपर अपने आप पता चल जाएगा। 20 नंबर मजाक नहीं है भाई मेरे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाए 10 से 12 पेज भरने पड़ जाएंगे तब जाके 20 में से 17-18 एग्जामिनर खुश हुआ तो मिलेंगे। 20 नंबर मजाक नहीं है वाकई में भाई। एग्जामिनर कह रहा है सोल्व करो, मेरे से पूरे 20 नंबर ले जाओ। अब जिसकी बुद्धि में अभी भी बात ना आए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। 20 नंबर बहुत होते हैं, कहीं होंगे तो टोटल में 20 नहीं आते जो फेल होते हैं। तो यहाँ पे तो एक क्वेश्चन में आपको 20 नंबर बड़े प्यार से बांट रहा है। सिंपल क्वेश्चन को देखो, अप्रोच देखना किस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। जिस मेथड से मैं सॉल्व करूं वहां से कर लोगे, वैसे कर लोगे, बिल्कुल कह रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, किसका बापू भी नहीं काट सकता आधा नंबर। क्वेश्चन में दो चीजें पूछी गई है, देखो दो तरीके से दो चीजें पूछी गई है, ध्यान से समझना। वो कहता है कि FCFS आपको अप्लाई करनी है शेड्यूलिंग इस डेटा के ऊपर। अगर पहले पार्ट में वो कहता है कि ऑर्डर मुझे दिया गया कि P1 पहले आया, P2 बाद में आया, P3 उसके बाद आया, ध्यान से समझना, ऑर्डर गिवन है। कई अभी तक न्यूमेरिकल्स में आपने ऑर्डर नहीं पढ़ा होगा, यहां पर ऑर्डर गिवन है, P1 P2 P3 आए हैं। ठीक है, इस ऑर्डर में FCFS अप्लाई करना है पहले पार्ट में। और क्या निकालनी, एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम। ठीक है जी, दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है कि भाई ऑर्डर मैंने चेंज कर दिया, अब P1 P2 P3 की जगह ऑर्डर है P2 P1 P3। ठीक है जी, तब मुझे एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकाल के दिखाओ। इस क्वेश्चन में छुपी हुई चीज है, जब सेकेंड पार्ट पूरा सॉल्व कर लेंगे तो शायद अगर ध्यान रहा तो पूरा डिस्कस करूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसको क्वेश्चन को। सिंपल सी चीज है, पहली चीज के लिए मुझे क्या करना है, सिंपल सा गैंट चार्ट बनाना है इनका। ठीक है, तो आइए पहले गैंट चार्ट बना लेते हैं। ठीक है जी, FCFS अप्लाई कर दी है, ऑर्डर गिवन है। यहां पे बच्चे शायद गलती कर दे कि जो मैं देखो दिखा भी देता हूं, जो ये MDU की बुक फॉलो कर रहे हैं RG वाले की, ठीक है जी, इस पब्लिकेशन की, इसने इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व किया है। वो मेथड मेरे को गलत लगा, बता दूंगा बाद में क्यों। ठीक है, पहले अपने तरीके से सॉल्व कर लेता हूं। वीडियो पूरी देखना बिल्कुल, ठीक है, पूरी वीडियो चाहे 10 मिनट की मिले, 20 मिनट की मिले, उसको मत सोचना, वीडियो पूरी देखना, बहुत चीजें समझने को मिलेगी। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहले आया ऑर्डर P1 P2 P3, इसमें ये मान लो कि भाई ऑर्डर गिवन है, पहले 0 है फिर देन P2 देन P3, बट यहां पे अराइवल टाइम नहीं गिवन कि भाई चलो माना कि ऑर्डर 0 हुआ, ये 0 पे, ये 1 पे, 2 पे, इस तरीके से आ रहा, बट अराइवल टाइम नहीं गिवन है। बट इस बुक ने क्या किया, अराइवल टाइम मान लिया कि 0, अराइवल टाइम 0 है, 1 है, 2 है, ऑर्डर इसी वे में रखा। भाई नहीं मान सकते, अराइवल टाइम बहुत बड़ी चीज है, आपकी सारी कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। हम ये मान के चलेंगे कि इनका अराइवल टाइम सेम है, बट उसी सेम टाइम पे पहले 0 को एंट्री देंगे, देन P2 को देंगे, देन P3 को देनी है। ठीक है, इस ऑर्डर में हम ये मान के चल रहे हैं। तो अराइवल टाइम मैं यहां पे क्या मान के चलूंगा, इस सबका 0 0 0। ठीक है जी, बुक ने 0 1 2 लिया हुआ, मैं 0 0 0 मान के चलूंगा, जिसको जैसे फॉलो करना कर सकता है। ठीक है, कहानी शुरू करेंगे। अब 0 पे है मेरे पास, ठीक है जी, सारे आ चुके 0 पे, तो बट ऑर्डर गिवन है P1 P2 P3, यहाँ पे ना कोई बर्स्ट टाइम देखना कि उस ऑर्डर में लगाना, यहाँ पे ऑर्डर डायरेक्ट गिवन है 0 1 2 3। सबसे पहले P1 को मिलेगी जगह कितनी देर के लिए, 15। ठीक है जी, देन मिलेगी P2 को जगह, सिंपल सी चीज है। ठीक है जी, कितनी देर के लिए, 4 15 4 19। ठीक है जी, आगे चलो, फिर मिलेगी जगह P3 को, सेकंड ऑर्डर है, लास्ट ऑर्डर है, 6 19 और 6 25। ठीक है जी, क्या निकालना है, एवरेज वेटिंग टाइम, एवरेज टर्न अराउंड टाइम। पहले टर्न अराउंड टाइम निकालेंगे, देन वेटिंग, देन इनके बाद इनकी एवरेज। तो आओ करें जल्दी से। ठीक है जी,
टैट निकालता हूं मैं सबसे पहले, फॉर्मूला क्या है कि एग्जिट कब हुआ लास्ट में और आया कब था, अराइवल टाइम, सिंपल सी चीज। ठीक है, हर बार क्वेश्चन में ये मैं ध्यान दिलाता हूं ताकि दिमाग में घुस जाए। 80 याद रखना है कैसे, ये 80 बस, ये हर वीडियो में बोलूंगा, चाहे आप बोर हो जाओ कुछ भी हो जाओ, मैं चाहता हूं कि जो मेरी वीडियो देख रहा है गलती ना करके आए। ठीक है, अब आते हैं टैट निकालना, तो अब सीटी निकालेंगे। सबसे पहले सारा सीटी लिखेंगे, P1 का सीटी लिखना है कब निकला आखिरी में, 15 पे माइनस, फिर P2 का लिखेंगे 19 पे निकला ये माइनस में, देन देखेंगे P3 का निकला 25 पे माइनस में, 80 डालना है। अब 80 सबका जीरो है, सिंपल सी चीज, जीरो जीरो जीरो, ये 15, ये 19 और ये 25। आगे चलते हैं, ठीक है, वेटिंग टाइम निकालते हैं। अब वेटिंग टाइम कैसे निकलता है, फॉर्मूला होता है टैट में से अगर मैं अब बचा हुआ, पहले 80 था, अब BT का नंबर, ठीक है, इसलिए मैं इस ऑर्डर में लिखता हूं ताकि चीजें याद रहे, कंफ्यूजन ना हो। टैट सीधा लिखो पहले, कुछ नहीं सोचना बिल्कुल भी, इतना लिख लो। अब BT का नंबर लगा दो, 15 4 6 कितना हो गया, 0 15 और ये 19। ठीक है जी, अब निकाल लेंगे सिंपल सा क्या चीज भाई, मिनट हो जाइए, एवरेज वेटिंग टाइम निकाल लेते पहले। ठीक है जी, 0 + 15 + 19 डिवाइडेड बाय कितने प्रोसेस है मेरे पास, 3। 19 और 15 कितने होते, 9 5 14 हासिल है 34, 3 ये आ गया मेरे पास 11.20 10 आएगा तो 3 11.3 मेरा आंसर आ गया एवरेज वेटिंग टाइम, जब पहला मैंने कंसेप्ट किया एवरेज टर्न अराउंड टाइम। यहां पे 3 लिखना भूल जाते हैं, यहां पे लगाते तो वो भी गलती मत करना, ये भी मैं दोहरा रहा हूं बार बार, 15 9 15 19 और 25 इनको एडअप करो, 5 9 14 14 और 5 19 19 आ गया ये 9 2 3 4 5 59। ठीक है जी, आई थिंक मैंने चेक कर लूँ, यही आया था मेरे पास भी, जी हाँ उनसे भी आया था, इसका आंसर समथिंग आया था 19.6। ठीक है जी, ये पहली चीज निकल गई, कुछ लगा जोड़ लगा, एक तरीके से 10 नंबर का सॉल्यूशन मिल गया आपको, कुछ हुआ भाई बताओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, दूसरे पॉइंट को सॉल्व करते हैं यहाँ पे, जो क्या कह रहा है कि आप उसको ऑर्डर चेंज कर देना। ठीक है जी, अब मैं एक चीज कर रहा हूं आप भी, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है तो इसलिए मैं ये चीज मिटा रहा हूं, ठीक है, अपने लिए आप कंटिन्यू में लिखना और कुछ मत करना, यहां पे लिख लेना फॉर फर्स्ट पार्ट देन आगे बढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अब कहां गया स्केच पे, हाँ हमें बनाना है सेकंड के लिए गैंट चार्ट। जब मेरे पास ऑर्डर क्या है, अब पहले P2 आएगा, देन P1, देन क्या आएगा P3। ठीक है जी, तो सबसे पहले जगह किसको दूंगा, अगर मेरे पास P2 पहले आता है, P2 पहले आया तो मैं क्या डालूंगा, 4 मिलीसेकंड के लिए उसको जगह देनी है। ठीक है, एक चीज करना, मेरे पे देखो जगह नहीं है, यहां पे आप इसको अलग कर देना और अलग से लिखना ये चीज, और इसका ऑर्डर उसका बर्स्ट टाइम पूरा लिखोगे तो आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन कम होगी। ठीक है ना, गलती बचानी है तो 1 2 4 लाइन लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, अलग से लिख लेना। पहले जगह किसको देनी है, P2 को, P2 कितनी देर के लिए चाहिए, 4 सेकंड 4 मिलीसेकंड जो भी वैल्यू गिवन है वो। देन जगह किसको मिलनी है, P1 को 15 के लिए चाहिए, तो 4 और 15 हो गए 19, P1 एंटर कर गया, लास्ट में आएगा P3 कितनी देर के लिए, 6 के लिए, तो 19 और 6 25, इसे एडअप करो, 15 4 19 19 6 25 25 25, मतलब आपने एंट्रियां टोटल कहीं पे गलत नहीं किया। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें क्या करना है, सिंपल सी चीज, टैग पैड सब लगा देंगे अब जल्दी से। कैसे, P1 का देखो पहले लिखेंगे कंप्लीशन टाइम कब था, P1 कब निकला 19 पे माइनस, P2 कब निकला 4 पे, P3 कब निकला 25 पे। ठीक है जी, पहली चीज होगी माइनस करना है अराइवल टाइम, अराइवल टाइम मेरे पास 0 ही है, चाहे आप ऑर्डर जो मर्जी चेंज करो, मैंने अराइवल टाइम अज्यूम किया है 0, आप पेपर में लिख देना वी आर अज्यूमिंग द अराइवल टाइम एट 0 एंड द ऑर्डर इज दिस, इस तरीके से चलना, सिंपल सी चीज है, तो 0 0 0 19 4 25। ठीक है जी, अलग करो, वेटिंग टाइम डालेंगे, वेटिंग टाइम ऑफ टैट
19, 4, 25 ठीक है। आगे बढ़ते बीटी माइनस करना, यहां से उठा लो 15, 4, 6 ये बचा 4, ये बचा 0, ये बचा 19 ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं अब इस पार्ट में, ये तो हो गया फर्स्ट के लिए ठीक है जी। अब हमें निकालना है थोड़ी सी जगह थोड़ी सी कम पड़ती है मुझे, एवरेज वेटिंग टाइम सिंपल ऐड करो 19, 4, 23 ठीक है जी। मैं लिख देता हूं चलो पूरा 4 + 0 + 19 + 3 तो 23/3 हो गए 7, 21 + 2, 6, 12, 18 समथिंग इतना आएगा ठीक है, इतना लगा लो। अब आपको क्या निकालना है इसका एवरेज टर्न अराउंड टाइम। देखो 19, 4, 25 ठीक है, 19, 4 + 25 / 3 ये हो गया 5, 4, 9, 9, 9, 18 हासिल 1, 2, 3, 4 ये कितने पे जाता है, ये जाता है आपका आई थिंक 16, 32, 48 पे ठीक है जी। ये हो गया आपका। अब उसका टारगेट क्या था, वो कंपेयर करवाना चाहता है आप पे फर्स्ट पार्ट के रिजल्ट को सेकंड पार्ट के रिजल्ट को, जो मैंने आपको कहा था स्टार्टिंग में कि वो इस तरीके से ऑर्डर चेंज करा के बड़ी चीज आपसे पूछना चाहता। ध्यान रखिएगा यहाँ पे 11.3 यहाँ पे कम हो गया 7.6, यहाँ पे 19.6 यहाँ पे 16 कम हो रहा है, क्यों, ऑर्डर चेंज करने की वजह से। जिसने अगर FCFS पढ़ा हो, मैंने क्या कहा था कि अगर हमारे पास प्रोसेस सबसे पहले वो आ जाए जिसका बर्थ टाइम ज्यादा होता है तो एक डिसएडवांटेज होती है, वो क्या होती है कॉनवे इफेक्ट। यहाँ पे पढ़ा कॉनवे इफेक्ट, सीपीयू दूसरे प्रोसेस जिनका जिनका बर्थ टाइम कम था उनको सीपीयू लेट मिला, जिसकी वजह से क्या हुआ एवरेज वेटिंग टाइम एवरेज टर्न अराउंड टाइम बढ़ गया, जिसको हमने क्या कहा कॉनवे इफेक्ट। इसको रिमूव करने के लिए अगर हम पहले वो प्रोसेस को एग्जीक्यूट करा दे जिसका ऑर्डर जिसका बर्थ टाइम कम है। सेकंड पार्ट में क्या क्या, इसका बर्थ टाइम कम था सबसे पहले मैंने इसको एग्जीक्यूट कराया, जिसकी वजह से देखो क्या हुआ मेरे पास बहुत ही ड्रेस्टिक चेंज आया एवरेज वेटिंग टाइम में टर्न अराउंड टाइम के अंदर। अगर मैं ऑर्डर कैसे कर दूं पहले P2 देन P3 देन P1 आ जाए तो क्या होगा हमारे पास और ज्यादा अच्छे मतलब गुड रिस्पांस टाइम मिलेगा, वेटिंग टाइम मिलेगा, टर्न अराउंड टाइम मिलेगा यहाँ पे ठीक है जी। तो ये था आपका न्यूमेरिकल 20 नंबर के अंदर, आई थिंक एक पेज लगेगा हार्डली आपका पेपर के अंदर 20 नंबर गिफ्ट में बांध के आपको ना मतलब शीट में लिख देगा 20 by 20 में से 20 नंबर मिल रहे हैं सोल्यूशन में ठीक है जी। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन जहां 20 नंबर के लिए आपको 10 शीट भरनी पड़ेगी 17-18 नंबर मिलेंगे, वहीं पे ये एक पेज के अंदर 20 के 20 नंबर फ्री में मिलेंगे। बट कंसेप्ट पता होने चाहिए कौन सी चीज कैसे पूछी जा रही है, क्या उसका पीछे रीजन है, ढंग से करनी है, समझ के करनी है, अप्रोच सही रखनी है, प्रेजेंटेशन सही रखनी है, अदरवाइज 20 नंबर गए ठीक है जी। अगले वीडियो में जल्दी और देखेंगे और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो MDU KU किसी में भी जिसमें भी जो मुझे मिल सकते सारे करेंगे जितने हो सके ठीक है, क्योंकि इसके बाद स्विच करना है हमें जल्द से जल्द आगे जाके जो हमारे पास आई थिंक मेमोरी मैनेजमेंट का कंसेप्ट आने वाला है वहां चलेंगे। तो प्ले लिस्ट को फॉलो करते रहिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, वीडियो को शेयर कीजिए, हो सके चैनल सब्सक्राइब करें, और रिक्वेस्ट करता हूं हर बार जो चैनल सब्सक्राइब करे तो बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ठीक है। थैंक्स।